नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। दुनिया भर में इतिहास की कई ऐसी कहानियां जिसके राज अभी भी सामने नहीं आ सके, कुछ जो सामने आए वो काफी हैरतअंगेज और डरावने। तो आज हम उन्हीं कहानियों में से एक आपके सामने ला रहे हैं। जी हाँ, ये कहानी है एक महारानी की, जिनका खौफ लोगों में सालों साल बना हुआ था। बताया जाता है कि ये महारानी एक वहशी होने के साथ साथ सीरियल किलर भी थी। इस महारानी की कहानी और इसके कारनामे लोगों के रोंगटे खड़े कर सकते हैं। इस रानी के बारे में कहा जाता है कि ये कुंवारी लड़कियों की हत्या कर उनके खून से नहाती थी। जिस महारानी का जिक्र हम कर रहे हैं, उनका नाम एलिजाबेथ बाथरी। कहा जाता है कि साल 1585 से 1610 के बीच महारानी ने 600 से ज्यादा लड़कियों की हत्या की और उनके खून से स्नान किया। कहा जाता है कि किसी ने उन्हें उनकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने की सलाह दी थी, जिसके बाद उन्होंने क्रूरता की हर हद को पार कर 600 से अधिक कुंवारी लड़कियों की हत्या कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि महारानी एलिजाबेथ लड़कियों को मारने के बाद उनके साथ बर्बरता और दरिंदगी भी करती थी। कहानियों के मुताबिक वो लड़कियों का खून कर उनके शरीर के मांस को अपने दांतों से काट कर निकाला करती थी, और महारानी की इस हरकत में उनके 3 नौकर उनका साथ दिया करते थे। बताया जाता है कि महारानी एलिजाबेथ एक राजघराने से थी, जिनकी शादी फेरिंग नेडिस की नाम के एक शख्स से हुई थी। इस शख्स ने तुर्कों के खिलाफ युद्ध में जीत हासिल की थी, जिसके बाद उसे नेशनल हीरो कहा जाने लगा था। कहा जाता है कि एलिजाबेथ गांव से लड़कियों को अपने महल में काम देने के बहाने से बुलाया करती थी, और उनके महल में आने पर उनको अपना शिकार बना लिया करती थी। हंगरी के बादशाह को एलिजाबेथ की इस हरकत की खबर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने जांच के आदेश दिए। बताया जाता है कि जांचकर्ता एलिजाबेथ से सवाल जवाब करने उनके महल गए तो दंग रह गए, क्योंकि वहां लड़कियों के कंकाल और सोने चांदी के आभूषण मिले। साल 1610 में एलिजाबेथ को उसके जुर्म का दोषी करार कर गिरफ्तार कर लिया गया, और कार्रवाई कर एलिजाबेथ को उसी के महल के कमरे में कैद कर दिया गया, जहां पर 4 साल बाद 1614 में उनकी मृत्यु हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा था वहशियाना हरकत और क्यों इस महारानी को ऐसा कहा जाता है।